आज पर टेलीकास्ट होने वाले शो आपकी नजरों में समझा में। अब शोभित की शादी के मंडप पर बहुत सारा ड्रामा होने वाला है, जिसकी उम्मीद खुद शोभित ने भी नहीं की थी। चांदनी पहले से ही अपना मास्टर प्लान बनाकर तैयार बैठी है इस शादी को रोकने के लिए। चांदनी ने सोचा है कि वो मंडप तक शोभित को आने ही नहीं देगी, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा। प्लानिंग तो चांदनी ने शोभित की किडनैपिंग की है, लेकिन यहाँ पर चांदनी ही किडनैप हो जाएगी, क्योंकि कोई और भी है जो चांदनी के इरादों को अच्छे से जानता है, जो चांदनी की हर एक साजिश से बखूबी वाकिफ है। वेल, हम यहाँ बात कर रहे हैं वन एंड ओनली गुन, यानी कि गुंजन के बारे में। जी हाँ, वही गुंजन जिसकी डेथ ट्रैक को आपने अभी कुछ ही दिन पहले देखा था। लेकिन असल में गुंजन जिंदा है, और इस बात का खुलासा बहुत जल्द तब होगा जब नंदिनी सबको सच बताएगी कि चांदनी ने किस तरह धोखे में रखा है रावल परिवार को। वहीं आप देखेंगे कि शोभित का किडनैप होने से पहले गुन और नंदिनी मिलकर चांदनी को गायब कर देंगी, और इसके बाद शोभित के साथ मंडप पर बैठेगी गुंजन। क्योंकि गुंजन ने घूंघट से अपने चेहरे को ढका हुआ होगा, तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। वहीं एंड मोमेंट पर चांदनी पहुंच जाएगी शादी के मंडप पर, और जब वो देखेगी कि शोभित के साथ कोई और लड़की बैठी है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खुद चांदनी भी ये नहीं समझ पा रही कि आखिर उसे किसने गायब करवाया, क्योंकि गुंजन और नंदिनी ने तो अपनी आइडेंटिटी चांदनी से छुपा कर रखी हुई थी। वहीं घूंघट उठने के बाद जब सब लोग गुन का चेहरा देखेंगे, तो हर कोई हैरान रह जाएगा। रावल परिवार भी सोचने लगेगा कि गुंजन की तो मौत हो गई थी, तो फिर वो वापस लौट कर कैसे आ सकती है। पर अब जाकर एक के बाद एक चांदनी की बर्बादी होगी शुरू। जितने भी मास्टर प्लान्स उसने बनाए हैं, सब पर पानी फिरेगा, और नंदिनी गुंजन मिलकर बताएंगी कि किस तरह अब तक वो चांदनी को अपने जाल में फंसाती हुई आ रही है, और फाइनली वक्त आ गया है चांदनी के एक्सपोज होने का। तो इंतजार रहेगा शो में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का।